बार की बात है, एक जंगल में एक लड़के के पीछे एक चुड़ैल पड़ जाती है जो कि उसके पीछे पीछे आ रही होती है। तभी वो लड़का वहाँ पर रुक जाता है और ज़ोर ज़ोर से बालवीर को पुकारने लग जाता है। तभी वहाँ पर थोड़ी देर में बालवीर आ जाता है और बालवीर उस लड़के को वहाँ से उस चुड़ैल से बचा लेता है। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह का बालवीर वाला कार्टून वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस तरह का बालवीर वाला कार्टून वीडियो क्रिएट करना बताऊंगा कि किस तरह से आप ऐसा कार्टून वीडियो बना सकते हैं और जब आप उसको अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो आपको कभी भी कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक नहीं मिले। उसके लिए आपको किस तरह से एडिटिंग करनी है वो भी मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको जो बालवीर वाला कैरेक्टर है वो भी मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ कि किस तरह से आपको बालवीर वाला कैरेक्टर फ्री में मिलेगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन उसको जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर देना ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो दोस्तों, बिना देरी की वीडियो करते स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि इसको क्रिएट करने के लिए आपको कुछ ऐप्स आपको डाउनलोड करने होंगे जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएंगे। तो सिंपली आपको सबसे पहले तो प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। जैसे प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर सर्च बार में आपको सर्च करना है क्रोमाटोन ऐप। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है क्रोमाटोन्स। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्रोमाटोन्स का इस तरह का एक ऐप आएगा जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर दूसरा ऐप है, वो है इमेज सर्च मैन, इमेज सर्च मैन। तो आप यहाँ पर जैसे सर्च करेंगे इमेज सर्च मैन ऐप, तो इमेज सर्च मैन ऐप यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पर दोबारा करता हूँ, इमेज सर्च मैन। इमेज सर्च मैन जैसे आप यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो ये इस तरह का ऐप आपके गैलरी सॉरी आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। दोनों ऐप को डाउनलोड करने के बाद एक और ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जो है आपको, अगर पहले से आपके मोबाइल में है स्क्रीन रिकॉर्डर तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर। तो स्क्रीन रिकॉर्डर की भी आपको यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। तीनों ऐप जब आपके डाउनलोड हो जाए तो सिंपली आपको सबसे पहले तो क्या करना है, आपको अपना क्रोमाटोन्स ऐप ओपन कर लेना है। तो क्रोमाटोन्स ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको लेट्स स्टार्ट पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। अब जब ये इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर इस तरह से चार कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे। अब आपको सिंपली सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ का पीछे का जो बैकग्राउंड है वो चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, ये जो बैकग्राउंड वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इस पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर ग्रीन बीच पर क्लिक कर देना है। तो ग्रीन स्क्रीन वाला यहाँ पर बैकग्राउंड आ चुका है। अब आपको यहाँ पर चाहिए ये एक तो ये बॉयज वाला कैरेक्टर और दूसरा ये चुड़ैल वाला कैरेक्टर, बाकी दो कैरेक्टर को यहाँ से नन कर देना है। तो कैसे करेंगे, ये जो कैरेक्टर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से कैरेक्टर जो पहला कैरेक्टर उसको यहाँ से क्लिक करेंगे और नन कर देंगे। उसके बाद दूसरा कैरेक्टर उसको भी यहाँ से नन कर देंगे, दो कैरेक्टर यहाँ पर बच गए। उसके बाद यहाँ पर देखिए चुड़ैल वाला जो कैरेक्टर उसको भी अभी तो नन कर देना है। उसके बाद जो पहला ये जो कैरेक्टर है ये बच्चे वाला इसको यहाँ पर रखना है, यानी कि इसका पहले एनिमेशन करेंगे उसके बाद चुड़ैल वाला लेंगे फिर उसके बाद बालवीर वाला लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बच्चे का कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ओके पर क्लिक कर देना है। अब क्या करना है, आपको इसका मुंह इस साइड में करना है। तो कैसे करेंगे, प्लस वाला आइकन पर क्लिक किया और ये जो फ्लिप वाला आइकन है इस पर यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर ये इस तरह से इसका मुंह इस साइड में हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका एनिमेशन तैयार करना है। तो यहाँ पर एनिमेशन कैसे तैयार करेंगे, देखिए यहाँ पर जो मूव है मूव सेट करने, तो पहले मूव में तो आपको हमेशा डिफ़ॉल्ट रखना है। किसी भी जो कैरेक्टर का आप जब भी आप एनिमेशन करें तो सबसे पहले तो आपको डिफ़ॉल्ट मूव में हमेशा आइडल रखना है। आइडल रखने के बाद यहाँ पर देखिए मूव फर्स्ट, तो मूव फर्स्ट से यहाँ पर आपको क्या करना है, मूव फर्स्ट में यहाँ पर आपको रन करना है। यहाँ पर रन यानी इसको दौड़ाना है। यहाँ पर देखिए रन वाला आ रहा है तो इस पर इस तरह से दौड़ा दिया। उसके बाद यहाँ पर मूव सेकेंड जो है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर करना है टॉकिंग, यानी कि ये जिसे बालवीर को आवाज़ देगा तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर करना है टॉकिंग। तो नीचे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है टॉकिंग, टॉकिंग कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो मूव थ्री है इस पर कर देना आपको वापस से आइडल, आइडल इस तरह से आइडल कर देना है। यानी कि पहले आइडल था फिर उसके बाद टॉकिंग सॉरी रन फिर टॉकिंग फिर आइडल, तो इस तरह से आपको इसका कर देना है। उसके बाद आपको अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप है जो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है उसको यहाँ पर यूज़ में लेना है। ये वाला भी रिकॉर्डिंग ये वाला ऐप है, यहाँ से भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से प्रॉपर तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होती इसलिए यहाँ पर एक एक्सटर्नल स्क्रीन रिकॉर्डर का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो ये वाला क्या काम आता है, इसके लिए तो क्या करना है, आपको सिंपली इस रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से कैंसिल कर देना है। जैसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन थे वो यहाँ से हट जाएंगे। हटने के बाद यहाँ पर देखिए इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको कर लेनी है। तो जैसे इस पर टैप करेंगे आपके तो इसे दौड़ने लग जाएगा। दौड़ने के बाद जितनी दौड़ाना है उस हिसाब से यहाँ पर उतने सेकंड के यहाँ पर दौड़ने की इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है। उसके बाद इस पर टच करेंगे तो ये खड़ा होकर बोलने लग जाएगा। उसके बाद फिर से टच करेंगे तो ये आइडल में खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एनिमेशन तैयार कर लेना है। अब इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाए उसके बाद आपको इस पर आपको यहाँ से कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद ओके पर क्लिक कर देना है। अब इसकी जगह आपको लेना है चुड़ैल वाला, तो चुड़ैल वाला वही कैरेक्टर वाले ऑप्शन पर जाना है यहाँ पर और इस पर यहाँ पर चुड़ैल इसकी जगह ले लेना है चुड़ैल। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको चुड़ैल, देखिए चुड़ैल आ चुकी है। उसके बाद इसका एनिमेशन तैयार करेंगे तो इसके लिए आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मूव में आपको आइडल रखना है। जो मूव फर्स्ट है उसमें आपको करना है फ्लाइंग, यहाँ पर देखिए फ्लाइंग आइडल, तो इस तरह से फ्लाइंग आइडल कर लेना है। उसके बाद फ्लाइंग आइडल जब आपका हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जो
दूसरा वाला जो ये फ्लिप वाला सॉरी मूव सेकंड है उसमें क्या करना है आपको अफेड एंग्री या अफेड होता है एंग्री कर लेना है आपको एंग्री इस तरह से। तो अभी देखिए इस तरह से आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, ये इस तरह से हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, इसको रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ओके कर देना है। रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको यहाँ पर रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से कैंसिल करके इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखिए इस पर जैसे आप टैप करेंगे तो इस तरह से आइडल ये उड़ने लग जाएगी। अब इसकी 2-5-10 सेकंड की आपकी जितनी भी आप वीडियो की लेंथ रखना चाहे उस हिसाब से इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देनी है। उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग को अपनी कैंसिल नहीं करना है, पॉज कर लेना है। पॉज करने के बाद यहाँ पर देखिए ये जो क्रोमाटोन का ऐप दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और कैंसिल पर क्लिक कर देना है जैसे, और ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट से आ जाएगी। उसके बाद ये जो फ्लिप वाला आइकन है सॉरी ए प्लस वाला आइकन है इस पर क्लिक करना है, प्लस वाला आइकन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से जो ये फ्लिप वाला है इस टिक को वापस से हटा देना है। जैसे आप हटाएंगे तो अभी यहाँ से इस तरह से हो जाएगी। उसके बाद रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करेंगे, कैंसिल करेंगे और जहाँ से आपने अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग पॉज की थी वहाँ पर वापस से इसको स्टार्ट कर देना है। पहले तो इसको यहाँ पर इस तरह से करना है, उसके बाद ये इस तरह से करके और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर देना है। अब इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाए तो आपको फिर से क्रोमाटोन ऐप पर क्लिक करना है और यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक करना है। वापस से आप बैक आ जाएंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब इसकी जगह आप लेंगे बालवीर का कैरेक्टर। तो कैसे लेंगे, उसके लिए आपको कैरेक्टर वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर ये कैरेक्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो चुड़ैल है उसको सेलेक्ट करेंगे और लास्ट में जाएंगे इंपोर्ट कस्टम पर। इंपोर्ट कस्टम पर जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो फ्रॉम ड्राइव है इस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद लोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और गैलरी में से आपको जो बालवीर का कैरेक्टर है वो ले लेना है। तो देखिए हमारे यहाँ पर बालवीर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको इस साइड में घुमाना है। तो कैसे घुमाएंगे, वो प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्लिप पर क्लिक कर देंगे। फ्लिप पर क्लिक किया तो फर्स्ट में आपको आइडल रखना है, जो दूसरा है उसमें आपको क्या करना है आइडल रखने के बाद, फर्स्ट में आइडल रखने के बाद दूसरे पर क्या करना है आपको टॉकिंग करना है, होल्डिंग टॉकिंग। तो देखिए यहाँ पर होल्डिंग टॉकिंग कहाँ है, नीचे जाएंगे होल्डिंग टॉकिंग मिलेगा आपको, टॉकिंग होल्डिंग इस तरह से, या फिर आपको पॉइंटिंग टॉकिंग भी कर सकते हैं आप। टॉकिंग पॉइंटिंग देखिए, टॉकिंग पॉइंटिंग भी आपको यहाँ पर मिलेगा। नीचे जाएंगे देखिए टॉकिंग पॉइंटिंग, ये देखिए यहाँ पर टॉकिंग विद पॉइंटिंग ये वाला यहाँ पर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो सेकंड है उसमें क्या करना है आपको आइडल रखना है, इस तरह से आइडल रख के ओके कर देना है। उसके बाद इसके हाथ में इसका जो जादू डंड होता है वो पकड़ाना है। तो कैसे पकड़ाएंगे, ये चश्मे वाला आइकन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको नन पर क्लिक करके लास्ट में कस्टम पर क्लिक कर देना है। कस्टमर क्लिक करेंगे यहाँ पर, देखिए कस्टम पर क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी में से यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कस्टम पर क्लिक नहीं होगा, हमारा यहाँ पर कैरेक्टर था थर्ड वाला, तो थर्ड वाले पर जाएंगे। देखिए कस्टम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो कस्टम पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और यहाँ से इसका जादू डन यहाँ पर ले लेना है। तो देखिए इसका जादू डन यहाँ पर आ गया है। जादू डन यहाँ पर आने के बाद इसका आपको प्लस वाला आइकन पर सॉरी रिकॉर्डिंग वाला आइकन पर क्लिक करना है और कैंसिल करके इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी है। इस तरह से आइडल करनी है थोड़ी देर, तो उसके बाद इस पर टच करेंगे तो इस तरह से पॉइंटिंग टॉकिंग वाला इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको कर लेनी है। उसके बाद फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो ये आइडल की हो जाएगी। तीनों स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेव करने के बाद आपको जाना है अपने इमेज सर्च मैन ऐप पर। इमेज सर्च मैन ऐप को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च बार मिलेगी। सर्च बार में आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पर विलेज या फिर कार्टून जंगल बैकग्राउंड। कार्टून जंगल बैकग्राउंड जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए कार्टून जंगल का कुछ इस तरह का यहाँ पर बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा। तो आपको इस वाले एरो पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है, आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। जब आपकी गैलरी में सेव हो जाए तो उसके बाद आपको जाना है अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर, जिसमें यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ काइन मास्टर को। तो काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सोलो नोकी रेशो को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ये जो क्रिएट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपने जो इमेज डाउनलोड की थी उस इमेज को यहाँ पर लेकर आना है, यानी कि आपका जो बैकग्राउंड आपने डाउनलोड किया था उसी बैकग्राउंड को यहाँ पर लाना है। तो मैं अपना बैकग्राउंड ले आता हूँ। जैसे मेरा यहाँ पर बैकग्राउंड आ चुका है, अब आपको क्या करना है, पेरेंट जूम पर क्लिक करना है और यहाँ पर बराबर वाले निशान पर क्लिक करके इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर इस तरह से कर देना है। इस तरह से करने के बाद यहाँ पर इसकी लेंथ को इस तरह से पकड़ कर पढ़ा देना है। पढ़ाने के बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपली सबसे पहले तो लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है, मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना है और आपने जो बच्चे की जो दौड़ते हुए की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ पर लेकर आना है। तो मैं यहाँ पर देखिए बच्चे की स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर ले आता हूँ। तो देखिए इस तरह से बच्चे की स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर आ चुकी है, देखिए इस तरह से आ चुकी है। ये देखिए दौड़ते हुए की सबकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर आ चुकी है। अब आपको सिंपली मिक्सर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसकी वॉल्यूम को जीरो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर नीचे जाना है और यहाँ पर क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको इस तरह से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे जाना है और क्रोमा की का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है। अब बैकग्राउंड यहाँ से इसका ग्रीन स्क्रीन वाला हट चुका है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि कहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर रहा है आपका।
जो बॉय है जो कहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से आपको आगे वाला जो ये जो बेकार पार्ट है इसको कट करना है। उसके लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, कैची पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे स्प्लिट। स्प्लिट करने के बाद यहाँ पर कट लग जाएगा, उसके बाद आगे वाले पार्ट को यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद इसको उठाएंगे, इसको यहाँ तक रख देंगे। उसके बाद ये देखना है कि आपका जो बॉय है वो कहाँ तक दौड़ रहा है, ठीक है, यहाँ तक दौड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पर बोलना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक दौड़ रहा है, तो यहाँ पर कट लगाएंगे। तो वही यहाँ पर इस रेड लाइन को यहाँ पर रखेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और कैची वाले ऑप्शन पर क्लिक करके स्प्लिट कर देंगे, तो कट लग गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इस वाले बच्चे को यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करना चाहे तो बड़ा कर सकते हैं, और उसको यहाँ पर उठाकर इसको इस तरह से यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है। और ये जो चाबी वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है, चाबी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको यहाँ पर लास्ट में इस तरह से लाना है और इसको उठाकर यहाँ पर ले आना है, इस तरह से बीच में ले आना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीच में ले आना है। उसके बाद देखिए आपका जो बॉय है वो यहाँ से आपका बॉय इस तरह से दौड़ता हुआ यहाँ पर आ चुका है। देखिए यहाँ पर आपका बच्चा यहाँ पर दौड़ता हुआ आ चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन को यहाँ पर रखना है। यहाँ पर रखने के बाद ये लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, मीडिया वाले ऑप्शन पे जाना है, जो चुड़ैल की आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी उड़ती हुई की, उसको यहाँ पर इस तरह से लेकर आना है। तो ये देखिए यहाँ पर चुड़ैल इस तरह से आ चुकी है। मिक्सर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, वॉल्यूम को जीरो कर देना है। उसके बाद क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे जाकर इसको क्रॉप कर लेना है। देखिए यहाँ पर इस तरह से क्रॉप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्रोमा की का ऑप्शन इनेबल कर देना है। जैसे क्रोमा की का ऑप्शन इनेबल करेंगे तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए क्रोमा की का ऑप्शन इनेबल करने के बाद यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ये अच्छे से यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपकी चुड़ैल कहाँ तक उड़ना स्टार्ट, कहाँ तक मतलब उड़ रही है, उसके बाद कहाँ से अगला पोज दे रही है। यहाँ से आपको अगला पोज मिल रहा है यहाँ से, तो यहाँ से इसको कट लगाना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ से कट लगाएंगे, तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया और कैची पर क्लिक करके स्प्लिट कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बैक आ जाना है और यहाँ पर जो ये वाला है इसको यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा इसको छोटी कर लेंगे। छोटी करने के लिए इसको यहाँ पर इस तरह से यहाँ से कट लगा देंगे, यहाँ से कट लगा के और इस आगे वाले पार्ट को यहाँ पर डिलीट कर देंगे। देखिए यहाँ पर डिलीट कर देंगे और इस वाले को यहाँ पर उठा के इसको थोड़ा सा इस तरह से रख देंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से रख देना है, इस तरह से रख देना है आपको। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से रख देंगे, इस तरह से रखा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर इस तरह से रख देंगे, पीछे रख के चाबी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस चाबी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको यहाँ पर इस तरह से ले आएंगे और ये यहाँ पर इसको यहाँ पर ले आएंगे इस तरह से। देखिए अब आप देखिए बॉय कैसे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका बॉय यहाँ पर इस तरह से दौड़ता हुआ बॉय आ रहा है। उसके बाद आपकी ये जो चुड़ैल है ये आगे आ चुकी है इस तरह से, इसके आगे यहाँ पर ये इस तरह से उड़ती हुई यहाँ पर आगे आ चुकी है। ये यहाँ पर आ गई, यहाँ पर चुड़ैल यहाँ पर इस तरह से आ गई, यहाँ पर आकर खड़ी हो गई। देखिए यहाँ पर इस तरह से अभी जो आपने ये वाली आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर रख रखी है, इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ पर लेकर आएंगे इसके ऊपर ला करने के बाद यहाँ पर देखिए अब इसको यहाँ पर इसको उठाकर इसको यहाँ पर इस तरह से इस पर सेट कर देंगे। अब देखिए आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो किस तरह से होगी। देखिए यहाँ पर इस तरह से ये हो चुकी है। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए मैं इसको प्ले करता हूँ, ये यहाँ पर आई, इस तरह से ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई। अब आपका जो बच्चा है ये बच्चा यहाँ पर है। अब आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बच्चा कहाँ है देखिए यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, लास्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग की यहाँ पर बच्चा यहाँ पर आया। तो इसको यहाँ पर उठाएंगे, इसको इस पर रखेंगे और इस बच्चे को जो ऊपर वाला बच्चा है इसको यहाँ पर देखिए क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसकी लेंथ को बढ़ा लेंगे, सॉरी हाइट को बढ़ा लेंगे और इसको इसके ऊपर रख देंगे। देखिए इस तरह से अब देखिए आपका जो बच्चा और ये जो चुड़ैल है कुछ इस तरह से यहाँ पर एनिमेशन तैयार हो चुका है। देखिए यहाँ पर आपका बच्चा यहाँ पर इस तरह से दौड़ता हुआ आ रहा है, तो ये चुड़ैल यहाँ पर इससे उड़ती हुई आगे निकल जाती है। यहाँ पर देखिए चुड़ैल यहाँ पर आगे निकल चुकी है। अब बच्चा इसके ऊपर यहाँ पर खड़ा हो गया, उसके बाद ये बालवीर को पुकार रहा है तो इसको डराने लग जाती है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर जैसे बालवीर को यहाँ पर बुलाया तो यहाँ पर आपको लाना है बालवीर को। तो बालवीर को कैसे लाएंगे, लेयर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, मीडिया वाले ऑप्शन पर जाएंगे, उसके बाद आपने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी बालवीर की वो यहाँ पर लेकर आनी है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरह से आ चुकी है। उसके बाद मिक्सर पर जाकर इसकी वॉल्यूम को जीरो कर देना है। जीरो करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, इसको भी क्रॉप कर लेना है, इस तरह से क्रॉप कर लेंगे। उसके बाद ये नीचे क्रोमा की का ऑप्शन इनेबल कर देंगे, इनेबल करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से इसका ग्रीन स्क्रीन हट जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पर इस बालवी को यहाँ पर रखेंगे। अब ये देखना है आपको कि बालवी कहाँ से बोलना स्टार्ट कर रहा है, कहाँ पर बोल रहा है बालवी, ये देखिए यहाँ पर बालवी बोल रहा है, यहाँ पर बालवी बोलेगा। तो यहाँ पर थोड़ी इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को छोटा करेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से मान लीजिए ये वाली लाइन आपको काट नहीं है तो रेड लाइन को यहाँ पर रखेंगे और इसको सिलेक्ट करके कैची वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से कर देंगे स्प्लिट और आगे वाला पार्ट यहाँ पर कर देंगे डिलीट। ये वाला डिलीट कर दिया। उसके बाद इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को जो पीछे वाली स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको यहाँ पर इस तरह से लेकर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर
देखेंगे कि बच्चा कहाँ से बोलना बंद किया था। यहाँ पर बच्चा बोला था, तो यहाँ से आएगा बालवीर। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर रखा। यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर स्टिकर लगाना है, एक स्टिकर लगाना है। पहले तो हम यहाँ पर बालवीर की लेंथ को बड़ा कर लेते हैं, हाइट को बड़ा कर लेंगे बालवीर की को। इस तरह से इसकी हाइट को यहाँ पर बड़ा कर लेना है। देखिए इसकी हाइट को बड़ा करने के बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, नीचे जाना है, इसको यहाँ पर इस तरह से रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा फायर वाला, ये इस पर क्लिक करेंगे आप। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे सर्च करेंगे फायर, यहाँ पर सर्च करेंगे फायर, यहाँ पर देखिए बहुत सारे फायर के यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशन आ जाएंगे, वो आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। देखिए यहाँ पर फायर के बहुत सारे एनिमेशन आ गए, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर जाएंगे तो ये देखिए फायर इस तरह से आ चुका है। यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ, कोई सा भी एक फायर ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए ये वाला फायर ले लेता हूँ, ये वाला फायर ले लेता हूँ। अब इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे छोटा करके, इसको छोटा किया, और यहाँ पर इसको इस तरह से रख देना है। इस तरह से रखने के बाद स्टिकर को, ये जो बालवीर है इसको यहाँ पर एनिमेशन देंगे पॉप वाला। तो एनिमेशन पर गया और पॉप वाला ऑप्शन यहाँ पर हमने दे दिया। अब देखिए यहाँ पर आपका इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा पीछे खिसका देना इस तरह से। अब देखिए आपका कुछ एनिमेशन यहाँ पर इस तरह से तैयार हो चुका है। यहाँ पर ये देखिए बच्चे के आगे ये चुड़ैल आ गई, उसके बाद इसको डरने लग गई पॉप वाला, ये ब्लास्ट हुआ और यहाँ पर बालवीर आ गया, और बालवीर इसको कुछ बोलेगा कि यहाँ से चली जा। ये देखिए इस तरह से, देखिए मैं दोबारा से आपको स्टार्टिंग से चलाता हूँ। यहाँ पर देखिए एक बच्चा जंगल से जा रहा था, उसके बाद एक चुड़ैल उसके पीछे पड़ जाती है, वो दौड़ता दौड़ता घबराता हुआ चला जाता है और एकदम से बीच में रुक जाता है, और चुड़ैल भी उसको डराने के लिए वहीं पर रुक जाती है। उसके बाद वो बालवीर को पुलाने लग जाता है, और बालवीर वहाँ पर आ जाता है और उस बच्चे को चुड़ैल से बचा लेता है। इस तरह आप इस रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन से क्लिक करके यहाँ से अपना वॉइस ओवर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो एरो वाला निशान है, इस पर क्लिक करके अपनी यहाँ पर वीडियो को सेव कर सकते हैं। जब आपकी गैलरी में सेव हो जाए तो आप इसको अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। कभी भी कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक आपको नहीं मिलने वाली है। अब बात करते हैं कि आपको बालवीर वाला कैरेक्टर और जो ये वाले चुड़ैल है वो कैरेक्टर कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है और इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करना है। जब आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको बालवीर का कैरेक्टर दे दूंगा। पहले से मैंने बहुत सारे को ये कैरेक्टर दे रखा है, अगर आपको पता नहीं है कि कहाँ दे रखा है तो वो भी मैं बता दूंगा, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप बालवीर वाला कैरेक्टर भी ले सकते हैं, और इस तरह से आप बालवीर का यहाँ पर कार्टून वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।